नमस्ते फ्रॉम जापान एंड सॉरी बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है। काफ़ी काम था, काफ़ी बिजी था, बट अब प्रॉमिस रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो आज का कुछ प्लान ऐसा है और आज हम लोग जाने वाले हैं, हम लोग मतलब मेरे संग नौ टोटल, मुझे मिला के नौ लोग, और आज हम सब जा रहे हैं पास निकालने फॉर आवर विंटर वेकेशन। उस पास का कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ। वो पास ऐसा है, अब लास्ट ईयर अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो उस ट्रिप का था कि हम लोग ने पास लिया था, हम लोग जे आर ईस्ट साइड गए थे। तो अभी भी वही पास लेंगे और नई नई लोकेशंस कवर करेंगे। तो उस पास की क्या डिटेल है वो मैं आपको इस आगे वीडियो में बताऊंगा, और वो केवल फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है, तो लोकल आइट उसे नहीं खरीद सकते। तो रेडी एंड लेट्स गो। ये रहे बादल सन, सबसे पहले आके बैठे हैं। बादल सन कब से बैठे हो यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। देख लो, 10:30 का पॉइंट था और अभी 11:15 हुआ है, और अभी ये तीन आए हैं। हाँ 11 का वो तो भी 11:15 हुआ है, तो ये तीन आए हैं, एक मैं हूँ, बाकी एक श्री कृष्ण है जो सबसे ज़्यादा लेट करता है, तो वो आएगा तो उसको भी दिखाते हैं। और दो लोग हैं जिनको आपने ब्लॉग में देखा है, तो वो लोग जब आएंगे तो दिखाते हैं। बाकी इस फ्लैट से भी एक आने वाला है, दो प्रगति सेल्वन भी उधर ही, ओके ब्रो भी ऑल्सो कमिंग, तो लेट्स सी। उसे देख रहे हो सबसे लेट वही है, ये देखो इतना सजता हुआ आया है, और टाइम देखिए आप अब जाके आया है। इतना लेट कौन आता है बे, क्या कर रहे थे? और विदाउट जैकेट, मतलब हीरो डूड बन के आएंगे अब ये भाई। सीक्रेट सेंटा, सीक्रेट सेंटा की जैकेट मैं पहनता हुआ, जो सीक्रेट नहीं था मेरे लिए। अच्छा बादल सान गए साइकिल की की लेने। अगर आप लोग इन सबको नहीं जानते हो, सेल्वन, अंजू, ज्योति, तनुजा एंड लेट लतीफ। ब्रो न्यू कवर, ओके दिस इज द मौसम एंड दीज आर द पीपल। अभी आ चुके हैं शिंजुकु स्टेशन पे, ये रहा मेन शिंजुकु स्टेशन, और इस साइड भी आप देखोगे ये भी शिंजुकु स्टेशन है, दोनों साइड है, ये JR लाइंस का है। तो यहीं पे अपने को मिलेगा पास। हाँ यहाँ पे कुछ अपना प्रमोशन करता हुआ, और यहाँ पे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के बाद जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। बाकी अपने लोग यहाँ पे आते हुए, ये दोनों रहे सब आते हुए, ये दोनों भी ज्वाइन कर गए हैं अब। ये तो मास्क अभी भी है इनका। चलते कुछ इस जगह पे आए हैं, एंड पीछे सभी लोग अपने आते हुए। स्टारबक्स भी है यहाँ पे, और इसके जस्ट सामने ही अपना पड़ता है JR ऑफिस, जहाँ से हम लोग निकालते हैं पास। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो पूरा पास के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कैसा रहता है, क्या रहता है, कितने का पड़ता है, वो आप देखोगे। ये है अपना JR ऑफिस, तो एक बार चलते हैं, मैं पहले बात करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा कुछ इस टाइप का पास जो अभी लिया है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। तो ये अगर आप जो देख रहे हो ना, यही 30,000 yen का पास है। 30,000 yen अगर देखा जाए इंडिया में सेल्वन सन कितने का पड़ा, अराउंड 16,000-17,000 रुपीज़ का। ये 5 दिन का पास है, जितनी भी JR ट्रेन्स ईस्टर्न टोहोकू रीजन की रहेगी, आप अगर यहाँ पे देखोगे टोहोकू लिखा है, तो वो अपने को फ्री पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को क्या लगा, अपने को चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद थलाइवा। तो कुछ इस टाइप का पास है, एंड ये नीचे का तो कुछ वैल्यू नहीं है, वो तो खाली उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन टाइप का दिया है, एंड बाकी सब ने लिया है। तो टोटल हम लोग 2,70,000 खर्च करे बैठे हैं सब लोग मिलके। मजाक कर रही है। टोटल 2,70,000 सब लोग ने खर्च किया है, एंड सब लोग अब खुश है। तो फिर ऐसा पास के बारे में था, एंड और भी कुछ होगा तो मैं ऐड करता हूँ। ये इनका पास है, इन्होंने वापस ले लिया कहीं के पैसे ना चले जाए, तो ठीक है। इस टाइप का पास का था, एंड अब 5 दिन घूमेंगे जहाँ जहाँ, वो आपको भी मैं दिखाऊँगा, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो रेडी रहिए। और आपको मैं इधर दिखाता हूँ, ये अकीता भी कवर होगा इसमें, इवाते भी कवर होगा, फुकुशिमा तो जाहिर है फर्स्ट डे पे हम लोग, यामागाता भी कवर होगा, दिस इज़ गिंजान ऑनसेन इफ़ यू डोंट नो, तो इस टाइप का है। बाकी अपना ग्रुप है, आप देखते हैं कुछ खाने जाते हैं तो वो भी अगर कुछ रहेगा तो आपको दिखाते हैं। तब तक ले बाय।